राज्यरे जारी रहिछि प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह। राज्यर 15टी सहरें पारत 40 डिग्री पार करितबा बेले एबे जनजीवन अस्तव्यस्त होइ पडिछि। विशेषकर पश्चिम ओडिसार समस्त जिल्लारे तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहितबा बेले दक्षिण ओडिसारे मध्य प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत होउछि। गत 24 घंटा मध्यरे सुवर्णपुर सर्वाधिक 43 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। आगामी 5 दिन जाए आहुरी 2-3 डिग्री तापमात्रा बढ़िपे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाए। अंपटे आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर समेत दक्षिण ओडिशार किछि जिल्लारे घड़घड़ी सह वर्षा होने आकलन करपरी उपकूल ओडिशार केतेक स्थान में कालबैशाखी होने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जा। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित सुवर्णपुर सत्यव्रत प्रधान एवं भुवनेश्वर आम रिपोर्टर स्वप्नांचली महांती जोड़े रही। प्रथम स्वप्न आपंक निकट को जवाक चाहिए। स्वप्न आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्ष वर्तमान कौन अपडेट आसूसी पाणीपाग को नहीं जो कथा कहुला बर्तमान राज्य पूरा दक्षला कड़ई में भाजी होती कहीं सबुठ उत्तप्त सहर जी आप देखिए पश्चिम ओडिशार सोनपुर जहाँ को आम सुवर्णपुर कहे 43 डिग्री उपर तापमात्रा रही है। राज्यर 15टी सहर विशेषकर पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा ये दुईटी पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशार 15टी सहर सबुठ अधिक तापमात्रा भाजी होती कहु 40 डिग्री ऊपर तापमात्रार प्रभाव रही बेस जनजीवन अस्तव्यस्त हाँपाई लगे बर्तमान आप देखु राजधानी स्थिति से पाखापाखि 40 डिग्री सेलसीयस वर्तमान अतिक्रम करने लगे राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा जहाँ कहुच्छे जे आगामी 5 दिन पर्यंत कौन विशेष परिवर्तन नहले भी स्वाभाविक तापमात्रा आहुरी 3 डिग्री ऊपर तापमात्रा रहा अर्थात 5 दिन पर्यंत आहुरी टाण खरा रही जहाँ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना जारी कराई एक स्पष्ट होती जे 15टी सहर में 40 डिग्री ऊपर को तापमात्रा रही अन्न्य जितकी जिला और सहर रही भी 40 डिग्री पाखापाखि तापमात्रा छुई सेपटे आप देखते जे विशेष करके जो पागरे परिवर्तन हवा कथा कहला और सामान्य वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली संभावना था आगामी 24 घंटा मध्य कंधमाल कोरापुट गजपति गंजाम बालेश्वर भद्रक जाजपुर यही समेत जिला गुड़िक हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हबार संभावना अच्छी आगामी 5 दिन पर्यंत तापमात्रा स्वाभाविक तापमात्रा 3-5 डिग्री वृद्धि होगा सहित आभ्यंतरीण ओडिशा अधिक रु अधिक खरा प्रभाव देखा कि आकलन करणिपाग विज्ञान केन्द्र सेपटे आप देखते जे जेहेतु राज्य में बर्तमान ग्रीष्म प्रभाव जारी रही है सबुठ उत्तप्त सहर सोनपुर कह उत्तर सबुठ उत्तप्त जदि कह जिला ताले पूर्वर मध्य बारिपदा थिला एवं एबे यहाँ अतिक्रम करके सोनपुर रही धीरे धीरे तापमात्रा बढ़ुची एवं लोकों जनजीवन मध्य अस्तव्यस्त होगा लगुच सका 9टा सुधा टाण खरार मध्य अनुभव होती तेणु जहाँ पूर्व अनुमान पूर्वानुमान आसंता 24 घंटा मध्य खास करके से जिला मान गुड़ जहाँ पूर्व सूचना दे से जिला मान हालुकर मध्यम धरण वर्षा होबार अच्छी जहाँ अपडेट रोचे जे आसंता 5 दिन पर्यंत 3-5 डिग्री स्वाभाविक तापमात्रा ठारु अधिक तापमात्रा वृद्धि होपे माधुरी। ओके स्वप्न आप चढ़ी था फेर भी आपको निकट को परवर्त समय जेहेतु आप जो अपडेट देते अपडेट अनुजाई वर्तमान सोनपुर सबुठ अधिक तापमात्रा से सोनपुर जवा सत्यव्रत रही सत्यव्रत वर्तमान सोनपुर जहाँ रेकर्ड कौच वर्तमान सोनपुर 43 डिग्री सेलसीयस सबुठ ऊर्धर रही। देखो माधुरी लगातार 3 दिन है सोनपुर तापमात्रा राज्य एवं देश में सर्वोच्च रही 44.2 रही दुई दिन लगातार भाव में गत काली 43.5 रही तो निश्चित भाव में ताती बढ़ुची और जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी ताती गरम मध्य बढ़ी तासह अघोषित विद्युत काट और पानी जल संकट देखादी जहाँफल लोकों मध्य असंतोष देखादी तो सीधासल आलोचना करवा सुवर्णपुर जिले में किभली रही ताती कौन रही प्रतिक्रिया कौन कह बर्तमान सुवर्णपुर जिला दिनक दिन ताती बढ़ुची कौन कह देखो प्राय देशर उत्तप्त सहर हिसाब से सुवर्णपुर आसुची जेनटा कि 44.2 ग्रेड रोचे तापमात्रा एवं देखा गले घर सकूल बाहरी ना होबार 10टा बाजिगला घर जा पड़े प्राय 5:30 पूर्व बाहर के बाहरी ना होबार लोक मैंने बहुत असुविधा पड़ जाए आम देखा गले जेन प्रकार उत्तप्त गरम होचे जेन प्रकार खरा होचे से हिसाब से पानी अभाव देखा जाए आम आवश्यकता अनुजाई लोक आवश्यकता अनुजाई नलकूप नहीं समस्त
ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଗଲାନ, ଜଳସ୍ତର କମିଗଲାନ, ଯାହା ଓପନ୍ କୂଅ ଅଛେ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୀରମହାରାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସହରର ସୋନପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରୁନି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁଫଳରେ ଗରମ ଏବଂ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛି, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ସିଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି କହିବା, ବାରମ୍ବାର ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାହା ତ ହେଉଛି ଗରମ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଯାହା ଦେଶର ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି କହିବା, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର କହିଲେ ନାହିଁ ଚଳେ। ତା'ମାନେ ଆମେ ବି ସକାଳୁ 8 ବାଜିଗଲେ ବି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଏତିକି ଗରମ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଯଦି କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଏତିକି ଗରମ ହେଉଛି, ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ଆସା ଲୋକ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି, ମାନେ ଦିନ 12 ବାଜି ନାଇଥିବ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଏତିକି ଗରମ, ତା'ପରେ ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଯିବା କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତତଲାନିଆ ଭଳି କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ ଏତିକି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁରରେ ଜନଜୀବନ ଏକଦମ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ସେଠାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି 43 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସୋନପୁର ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୋନପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।